देश की नारी शक्ति के खिलाफ कोई भी सभ्य समाज किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बलात्कार के दोषियों को देश सहन करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पास कर कठोरतम सजा का प्रावधान किया है। दुष्कर्म के दोषियों को कम से कम 10 वर्ष की सजा होगी, वहीं 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से रेप करने के लिए फांसी की सजा होगी। कुछ दिन पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक अदालत ने सिर्फ 2 महीने की सुनवाई के बाद नाबालिग से रेप के 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके पहले मध्य प्रदेश के कटनी में एक अदालत ने सिर्फ 5 दिन की सुनवाई के बाद दोषियों को फांसी की सजा दी। राजस्थान ने भी, वहां की अदालतों ने भी ऐसे ही त्वरित निर्णय किए हैं। यह कानून महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाएगा। सामाजिक बदलाव के बिना आर्थिक प्रगति अधूरी है। लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल को पारित कर दिया गया, हालांकि राज्यसभा के इस सत्र में संभव नहीं हो पाया है। मैं मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाता हूं, पूरा देश उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा है।